कुछ दिन पहले मैंने 200 वाट का सेम टू सेम इसी प्रकार का टावर स्पीकर बॉक्स बनाया था, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन थी, लेकिन कुछ मैंने उसमें गलतियां करी थी। मैं इस बार फिर से बनाया हूँ सेम 200 वाट का ही एक दूसरा टावर स्पीकर बॉक्स, जिसकी साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन है, और वो जो गलतियां मैंने उसमें करी थी उसका सुधार करके इसको बनाया है। ये टावर स्पीकर बॉक्स आप सभी को बना करके दिखाऊंगा, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। इसमें 3 कंट्रोल पैनल्स ऐड किया है मैंने, पहला है ट्रेबल का, दूसरा है बेस कंट्रोल का, और तीसरा है वॉल्यूम का। ये है एकदम मस्त इंटरफेस वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल, जिसका ऑडियो गेन भी बहुत ही बेहतरीन है, और यह थोड़ा कॉस्टली वाला है तो साउंड क्वालिटी और भी बेहतरीन आता है। ये 2 स्पीकर्स मैंने इसमें लगाया हुआ है, जिसमें से साउंड क्वालिटी की इम्प्रूवमेंट प्लस में ट्वीटर और मिड रेंज की ऑडियो और भी बेहतरीन आती है। इस पे मैंने 4 पोर्ट्स लगाया है, 2 पोर्ट बेस पोर्ट लगाया है इस स्पीकर के लिए, और नीचे वाला 2 पोर्ट लगाया है इस स्पीकर के लिए। एक और बेस पोर्ट लगाया है थोड़ा सा बड़ा वाला, वो है हमारा मेन 8 इंच का सबवूफर के लिए। कितना बेहतरीन देखने में भी लग रहा है यह हमारा सबवूफर, उसी क्वालिटी का ऑडियो भी देता है यह हमें आउटपुट में। और आगे साइड में RGB LED लाइट्स यूज किया है, तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट को बनाने से पहले एक बेहतरीन सा चीज बताने जा रहा हूँ, उसे फॉलो जरूर करना। मैं 2020 से ट्रैवल कर रहा हूँ। क्या आपने मेरा ट्रैवल व्लॉग्स वीडियो देखा? नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे जाकर के जरूर देख लेना एक बार। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस बनाता हूँ यार, तो चलो अब इस प्रोजेक्ट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सो गाइज, इस टावर स्पीकर को बनाने के लिए मैं इस बार धमाकेदार सबवूफर स्पीकर्स यूज़ करने वाला हूँ, जो कि साउंड क्वालिटी बहुत ही बेहतरीन देने वाला है। एकदम साउंड क्वालिटी में कोई सा भी कमी नहीं होना चाहिए। ये स्पीकर मैं यूज़ करने वाला हूँ 50 वाट का। इसका मैग्नेट देख सकते हो, काफ़ी बेहतरीन है, जो कि 2 साल पहले मैंने ख़रीदा था। एक ये रहा और दूसरा स्पीकर ये रहा। मेरा ये हो जाएगा हमारा ट्विटर के रूप में काम करेगा, दोनों बहुत ही बेहतरीन साउंड क्वालिटी दे देगा। बाकी मैं बात करूं अगर सबवूफर का, तो ये सबवूफर बहुत ही बेहतरीन, मैं लोकल मार्केट से ख़रीद के लाया हूँ कल, 850 रुपये का यह पड़ा मुझे। इसके पर्दे आप देखोगे तो एकदम चौक जाओगे, बहुत ही बेहतरीन है, बहुत ही मजबूती है। और बेहतरीन इसका ये है, इसका मैग्नेट। और सबसे बेहतरीन बात ये है कि ये हमारा सबवूफर मेड इन इंडिया है। मेड इन इंडिया में क्या है कि गाइज, इसमें कोई सा भी स्पेसिफिकेशन नहीं दिया हुआ है, कितना ओम का है, कितना पावर का है, दिया हुआ है रफली में दिया हुआ है, इसका ओम दिया हुआ है इसके पैकेट में 4 ओम का, लेकिन इसका इंटरनल इम्पीडेंस मैंने चेक किया तो ये 8 ओम का आ रहा है। हालांकि मैंने इसमें जो एम्पलीफायर बोर्ड ख़रीदा है, जो एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ, वो मैं क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड यूज़ करने वाला हूँ, वो क्लास डी एम्पलीफायर बोर्ड हमारा 8 ओम का भी सपोर्टिव है। आप 8 ओम का भी लगा सकते हो, 4 ओम का भी सबवूफर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो गाइज, ये सारे सबवूफर और स्पीकर्स थे हमारा इस टावर स्पीकर को बनाने में। लेकिन इसमें मैं एक LED स्ट्रिप का भी यूज़ करने वाला हूँ, जो कि अलग अलग कलर को इफ़ेक्ट में देगा, बहुत ही बेहतरीन शानदार लुक बना देगा। अगर आप एक टावर स्पीकर बना रहे हो तो कमी रह जाती है LED की, LED नहीं लगाने पे अधूरा अधूरा सा लगता है हमारा टावर स्पीकर बॉक्स। इसका थोड़ा इफ़ेक्ट्स दिखा देता हूँ, बाकी जब मैं टावर स्पीकर बनाऊँगा उस टाइम पे तो इसके सारे इफ़ेक्ट्स नज़र आएंगे ही। तो देखिए, ये 12 वोल्ट के पावर सप्लाई से हमारा चलता है, उसका भी कंट्रोलर वगैरह इसमें कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस 12 वोल्ट का पावर सप्लाई इसमें इनपुट दो और बस मज़े से देखो इसके अलग अलग इफ़ेक्ट्स, बहुत ही शानदार है, अलग अलग इफ़ेक्ट्स देगा इसमें। ये तो अभी राउंड में जा रहा है, देखना अभी है ना शानदार। एक और मैं लाया था इससे पहले, तो दिखा देता हूँ उसे भी। ये स्टिप, ये मुझे 35 रुपये करके पड़ा था, लेकिन इसमें सिंगल केवल इधर से इधर जलती हुई जाती है, मैं इसको भी दिखा देता हूँ, देखना अभी। देखो
तो दोनों में से जो अच्छा लगेगा मुझे वो मैं यूज करूंगा, देखते हैं बनाने के बाद ही। हालांकि साउंड क्वालिटी में इस बार तो कंपैरिजन नहीं होने वाला है, बहुत ही बेहतरीन आने वाला है क्योंकि क्लास डी भी यूज होगा। तो चलिए अब हम काम करते हैं MDF बोर्ड की कटिंग की। उसके लिए मैंने डायमेंशंस मेजर कर रखा है एक कॉपी में। तो जी आप देख पा रहे होंगे इस कॉपी में मैंने कुछ इस तरह से डिजाइन किया हुआ है, और कौन सा स्पीकर सबवूफर कहाँ पे लगेगा वो भी मैंने ऑलरेडी इस पे प्रिंट कर रखा है। पेन पेंसिल से बड़ा मेहनत से मस्त से बनाया है एकदम क्लीन के साथ में। इसी बात पे इस वीडियो को लाइक कर दो, बहुत ही मेहनत लगने वाला है इसे बनाने में गाइस। तो सही में देखो मैंने कहाँ पे क्या यूज़ किया है। जो लेफ्ट एंड राइट का जो हमारा पैनल होगा वो होगा 35 इंच बाय 11.5 इंच का, जिसमें से हमारा नीचे साइड में सबवूफर लगेगा 8 इंच का, और ये है हमारा फ्रंट साइड का पैनल। फ्रंट साइड का पैनल का साइज होगा 35 इंच बाय 9.5 इंच का। 9.5 इंच में से ये 6-6 इंच का हमारा स्पीकर्स लगेगा, ये हमारा वॉल्यूम बेस टेबल वाला जो रहेगा तीनों का कंट्रोलर वो रहेगा, बाकी ये है ब्लूटूथ मॉड्यूल, ये है हमारा बेस पोर्ट जहाँ से हवा आएगी बाहर और जाएगी सबवूफर के लिए, ये रहा हमारा टॉप एंड बॉटम पैनल जिसका साइज है हमारा 11.5 इंची बाय 9.5 इंच। तो इस तरह से मैंने साइज बनाया हुआ है इस कॉपी पे डिज़ाइन, आप भी इसी डिज़ाइन का बना सकते हो। और ये जो डिज़ाइन मैंने किया है गूगल से इधर उधर चारों तरफ से एकदम अच्छे से कैलकुलेट करके मैंने बनाया है, जिसमें से LED स्ट्रिप को भी लगाने का भी गैप मैंने छोड़ा है, यानी कि हर चीज़ का मैंने जगह छोड़ा हुआ है। तो उसके लिए घबराने की कोई बात नहीं है। चलिए अब मूव करते हैं हम MDF बोर्ड काटने की ओर। ये बोर्ड हमें 12 mm थिक लेना है। MDF बोर्ड काटते वक्त कोई भी स्केल पकड़ने के लिए बंदा नहीं रहता है मेरे पास, मैं रहता हूँ एक्चुअली मैं अकेले इसीलिए। तो उसके लिए एक आइडिया आया मेरे पास कि दोनों साइड में मैं स्क्रू से कुछ इस तरह से टाइट कर दूंगा और काटूंगा मशीन से, तो ये स्ट्रेट कटेगा। और कुछ इसी प्रकार से मैं सभी पैनल को सीधा काटता हूँ, ये एकदम परफेक्ट मस्त स्ट्रेट कटता है। ये दो पैनल्स हैं टॉप एंड बॉटम के लिए, यहाँ पर आधा आधा इंच और भी एक्स्ट्रा बढ़ा करके काटना जितना मैंने डायमेंशन दिया हुआ है, क्योंकि एक पैनल को और एक्स्ट्रा ऐड करने वाले हैं फ्रंट साइड में। बाकी ये रहा हमारा दोनों फ्रंट साइड का पैनल, फ्रंट साइड में कुछ इस तरह से लगेगा, ये रहेगा एकदम टॉप फ्रंट पे लगेगा, जिसमें कि हमारा जो स्पीकर रहेगा वो इस पैनल के अंदर में रहेगा, इसके अंदर में। तो इसके अंदर में हमारा ये वाला लगेगा। तो देखिए यहाँ पर मैं इस पैनल को इस फ्रंट वाले पैनल के जो साइज़ दिया है उससे मैंने 24 mm यानी कि 24 mm कम काटा है, क्योंकि 12 mm का इस साइड में एक पैनल लगेगा और 12 mm का इस साइड में एक पैनल लगेगा, जो कि लगेगा लेफ्ट एंड राइट वाला। ये है हमारा लेफ्ट एंड राइट साइड का पैनल, दो पैनल्स है इतने बड़े बड़े मैंने काटा हुआ है। तो चलिए अब इन सारे को हम चिपकाते हैं फेविकॉल से। तो क्या करूँगा मैं, ये जो टॉप फ्रंट वाला है ये बाद में लगाऊँगा, बाकी जो बैक फ्रंट है वो पहले लगाऊँगा कुछ इस तरह से। देखिए जो लेफ्ट राइट साइड का है वो हमारा इस तरह से इसमें लगेगा।
एक्चुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ड्रिल बिट नहीं था मेरा पास पतला वाला ड्रिल करने के लिए कील के लिए, तो मैं क्या किया हूँ एक कांटी का जो हेड होता है उसको काट करके इसमें लगा करके ड्रिल करके मैं कांटी को ठोक रहा हूँ इसमें। थोड़ा बहुत क्या है कि एक्स्ट्रा दिमाग लगाना पड़ता है। ये पैनल जैसे ही हमारा सूख जाता है उसके बाद हमें लेना है इंची टेप और जिस साइड में हमें बॉटम रखना है उस साइड से मार्क करना है इंची टेप से कुछ इस तरह से। एक पॉइंट हमें मार्क करना है 12.5 इंची पे, उसके बाद दूसरा पॉइंट हमारा मार्क होगा 21 इंची पे और तीसरा पॉइंट हमें मार्क करना है 30 इंची पे। ये तीनों मार्क कर लेने के बाद हमें लाइन दे देना है इसमें। ये एक रफ लाइन होगा तो टेढ़ा वेढ़ा भी होगा थोड़ा बहुत तो चलेगा। ये अंदाज़ा लेने के लिए है कि कितना लाइन पे हमारा सब वूफर लगेगा और कितने पॉइंट पे हमारा दोनों स्पीकर्स लगेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें मार्क कर लेने के बाद अब हमें स्पीकर्स के लिए ड्रिल करना होगा। स्पीकर के साइज इतना ड्रिल करने के लिए हमें पहले यहाँ पे एक लाइन देना होगा। उससे पहले आपको स्पीकर ले लेना है जो लगाना है इस पे। यहाँ पर मैं लोकल कंपनी का एक 6 इंच का स्पीकर लगा रहा हूँ। अगर आप ओरिजिनल यूज़ करोगे तो 6 इंच का ही होगा, लेकिन ये लोकल कंपनी का है तो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है साइज में। तो देखिए यहाँ पर हमारा इसका डायमीटर है, इसके साइज इतना मेजर करने के लिए क्या करना है इसका डायमीटर पहले मेजर कर लेना है। 165 mm इसका आ रहा है टोटल, जिसमें हम 20 mm माइनस करेंगे। 20 mm अगर माइनस करेंगे तो आ जाएगा कितना 145 mm। 145 mm को 2 से डिवाइड करेंगे तो 214 और 2 × 4 हाँ 72.5 mm। 72.5 mm पे हम अपना कंपास को रखेंगे 72.5 और उसके बाद हमें कंपास को लेकर के इसमें सर्कल मार्क कर देना है। तो ये हमारा रियल डायमीटर निकल गया जिसमें हम ड्रिल करेंगे और ये स्पीकर का यहाँ तक का साइज निकला। ये स्पीकर इसके अंदर में जा कर के बैठेगा तो इतना में हमें अब ड्रिल करके इसको निकालना है इसके अंदर के साइज का। इसी प्रकार से हमें दूसरे स्पीकर वाले जगह को भी मार्क कर देना है, सेम साइज का मार्क यहाँ पर भी होगा। जो लाइन अभी हमने दिया उससे 1 या 2 mm कम करके हमें एक और लाइन ड्रॉ कर देना है इस पे, क्योंकि हम इस पे कील को ठोक करके ड्रिल करेंगे उतना ही 2 mm के ड्रिल बिट से। इसीलिए अंदर साइड में हमने जो लाइन बनाया है उस पे एक कील लेकर के हम मार्क कर लेंगे ड्रिल करने के लिए।
दूसरा दिन में इतना बन के तैयार हुआ है। आज हम तीसरा दिन में बनाएंगे इससे आगे। इससे आगे क्या करना है, ये दोनों गैप्स बन गया हमारे स्पीकर के लिए, लेकिन अब हमें गैप बनाना है सब वूफर के लिए। सब वूफर हमारा यहाँ पे लगेगा। ये हमारा 1 इंच का होगा इस साइड में, 1.5 इंच 2 इंच नीचे से जगह छोड़ करके कुछ इसी प्रकार से होगा। जिस तरह से यहाँ पे हमने 2 लेयर का लगाया हुआ है, उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें 2 लेयर लगाना है। 2 लेयर में से क्या करना है, फ्रंट वाला जो लेयर होगा हमारा ये यही होगा, अंदर साइड से एक और चिपकाएंगे MDF बोर्ड। जितना भी हमारा साइज है सब वूफर का, उतना साइज का हम यहाँ पे पहले गैप बना लेंगे। तो सबसे पहले हमें गैप बनाना होगा, उसके बाद से उसे चिपका करके हम सर्कल में 8 इंच का काटेंगे। सबसे बेटर ये होगा कि इसके बैक पैनल को पहले हम लगा लेंगे, उसके बाद यहाँ पर सब वूफर के लिए ड्रिल करेंगे। इसे लगाने से पहले हमें इस सारे को इसके साइड साइड में रफ कर लेना है, पहले प्लेन कर लेना है, यानी कि तबीयत सही से बैठेगा ये प्लेट। बॉटम से हमें 2.5 इंची तक में एक मार्क कर लेना है एक लाइन, उसके बाद इस तरह से राउंड राउंड हमें सबवूफर के साइज इतना मार्क कर लेंगे एक पेंसिल को यूज़ करके, जितना भी राउंड में होगा। तो कुछ इस तरह से मार्क हो जाने के बाद अब हम इस पर होल करेंगे, और उससे पहले हम क्या करेंगे, इससे थोड़ा सा ना ज़्यादा ही गैप में हमारा होल होगा। ये क्या होगा कि इसके ऊपर साइड में या तो हम LED लगाएंगे या तो मैट जब बैठेगा ना तो थोड़ा सा और भी जगह कवर करेगा। तो उतना ज़्यादा एक और मार्क करने के लिए इसके आउटसाइड में लाइन हमें इसका सेंटर पॉइंट ढूंढना होगा। अब हम एक स्केल लेंगे और 12 mm के गैप में मार्क कर लेंगे, और जितना mm का हमारा MDF बोर्ड है, यानी कि ये हमारा 12 mm का है, तो 12 mm के गैप पे कुछ इस तरह से रख करके चारों साइड से बैक पैनल में हम मार्क कर देंगे, ताकि जब बैक पैनल लगाएंगे ना उसमें बहुत ही हेल्पफुल होगा हमें बैक पैनल लगाने में, और काफ़ी परफेक्ट या बैठ जाएगा। तो कुछ इस तरह से हमें मार्क कर देना है चारों तरफ से। नेक्स्ट प्रोसेस है कि अब हमें एक और पट्टी लेना है कुछ इस तरह का, इस साइज का, और इसे हमें यहाँ पे लगाना है, और यहाँ पर कुछ इस तरह से लगाना कि ये दोनों कॉर्नर्स में पूरा टच हो जाएगा और ऊपर से हमारा लगभग 12 mm बाकी रहेगा। देन एक पेंसिल लेकर के हम मार्क कर लेंगे जितना में हमारा होल है। इस राउंड सर्कल के बाहर साइड में हमें फेविकॉल को लगाना है।
अब हम लेंगे तीन और पट्टी। ये तीनों और पट्टी हमारा इन तीनों जगह के अनुसार कटेगा। ये तीनों का साइज सेम है, लेकिन क्या है कि अंदर का डेप्थ थोड़ा सा कम है। देख सकते हो ये थोड़ा इक्वल नहीं लग रहा होगा। इस साइड में जितना साइज है उतना साइज इस साइड में नहीं है, थोड़ा सा इस साइड में कम है। ये अंदर साइड की ओर लगेगा, क्योंकि क्या है कि ये थोड़ा सा ना ऊपर साइड में फैल गया है। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, सब लग जाने के बाद सही से सेट हो जाएगा। तो इन तीनों को हमें इसमें लगाना है, सेट करना है। ये तीनों पैनल्स इसमें परफेक्टली एकदम बैठ जाएगा। अब देखोगे तो इक्वल डिस्टेंस पे यह बैठेगा। सब ऊपर वाला 12 इंची पे रहेगा, ये 9-9 इंची पे रहेगा। देख सकते हो दोनों का साइज एकदम इक्वल है। इसका जितना गैप है, इसका जितना वॉल्यूम है, उसका भी इतना ही वॉल्यूम है। बाकी टॉप में इधर हमारा बचेगा कुछ इंची, तो इधर हमारा एम्पलीफायर बोर्ड सेक्शन रहेगा। तो इस तरह से हमें सारे चीज़ सेट कर लेना है। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक लगभग 25-26 mm बच रहा है, जो कि टॉप वाला जो इसका बॉटम पैनल लगेगा ना बैक साइड में, बैक पैनल, वो बैठने के लिए है। ये देखिए ये परफेक्ट में हमारा आया हुआ है। यहाँ पे थोड़ा सा कम है, कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है, बाकी सही है। और इसमें भी देखो परफेक्ट आया हुआ है। ये लाइन मैंने शुरू में ही दिया हुआ था, क्योंकि बैक पैनल लगाने के लिए ही। बाकी जो थोड़ा सा यह बाहर आ जाएगा तो उसे रगड़ करके हम प्लेन कर लेंगे। तो देखिए कुछ इस तरह से हमें सेट करके इन सारे को भी फेविकॉल से चिपका देना है। तो आइए अब मैं इन सारे को फेविकॉल से चिपकाता हूँ। ये चिपकाने के बाद आप देखोगे तो इस पैनल के और इस पैनल के बीच में थोड़ा सा गैप रह जाता है। अब देखोगे फेविकॉल से अच्छे से चिपकता नहीं है, जिस कारण से क्या होगा कि हवा एक साइड से दूसरे साइड में आ जाएगा, पार हो जाएगा, जिस कारण से साउंड क्वालिटी में डिफर होगा, बहुत ही ज़्यादा अंतर हो जाएगा। उसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके गैप को भरना होगा। गैप को भरने के लिए क्या करना है हमें कि जब हम इस बोर्ड को काट रहे थे उस टाइम पे जो चूर्ण निकला था वो और फेविकॉल दोनों को अच्छे से मिक्स करके फिर हमें इन सारे गैप्स में भर देना है, एकदम अच्छे से पूरा चारों तरफ से भर देना है, जिधर जिधर भी खाली है हमारा, कहीं भी हवा इधर से उधर पार नहीं होना चाहिए। एकदम परफेक्शन के साथ में पैक करना है पूरा। इसके बैक साइड में स्क्रूज लगाने के लिए हमें कुछ इस तरह के छोटे छोटे पट्टी को लगाना होगा इसके अंदर में। और ये छोटे छोटे पट्टी को काट कर मैंने नामांकित कर दिया है कुछ इस तरह से, जैसे कि इसको B1L किया है, B1R किया है, ये B0 हो जाएगा। उसी प्रकार से फिर इस वाले चैम्बर का जो मैंने पट्टी काट रखा है इसमें से, इसमें भी नाम लिख दिया हूँ मैं, देखो। तो इसमें B2L, B2R, B3R, B3L एंड देन B4L, B4R, तो कुछ इस तरह से मैंने नामांकित करके काट लिया है। चलिए अब इन सारे को हम इसमें इस तरह से चिपकाएंगे। हमें इसे चिपकाते वक्त खास बात का ये ध्यान देना है कि जो हमने लाइन मार्क किया था ना 12 mm के नीचे, उसके नीचे साइड में हमें इसे चिपकाना होगा।
मस्त काम कर रहा है ना। इसे प्रिंट करते वक्त बीच में ही ब्लैक फिलामेंट ख़त्म हो चुका था,
तो एक दूसरा कलर का फिलामेंट होता बेटर नहीं होता, इसीलिए मैंने सोचा कि इतना ब्लैक से कर देता हूँ, क्योंकि ये बाहर वाला कवर हो जाएगा, उसके बाद बैक जो अंदर में रहेगा वो दूसरे कलर का भी रहेगा तो चलेगा। इसे लगा करके मैं ग्लू स्टिक से चिपका दूंगा, अच्छे से चिपक जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चारों का कलर मैच हो जाएगा इसी प्रकार से, और पांचवा जो है हमारा सबवूफर के लिए वो भी मैच हो जाएगा कलर। बहुत ही अच्छे से 3D प्रिंटिंग हुआ है ये, अच्छी क्वालिटी की आप देख सकते हो ये, और आप चाहे तो लोकल मार्केट से ये खरीद सकते हो बेस पोर्ट्स को। चलिए अब इन सारे को मैं चिपका देता हूँ ग्लू स्टिक से। इस सबवूफर के बेस पोर्ट का अगर गैप का बात करें तो देखिए इसका इनर जो साइड है उसका मैंने 56 mm रखा हुआ है यहाँ पर देखिए, और इसका जो आउटर साइड है उसका मैंने 7.5 सेंटीमीटर यानी कि 75 mm का गैप रखा हुआ है। तो कुछ इस तरह से ये और वो दोनों सेम साइज़ का है, इसीलिए मैंने इसका मेजर करके दिखा दिया। बाकी स्पीकर पोर्ट का बात करें तो ये स्पीकर पोर्ट हमारा इंटरनल अंदर साइड से 25 mm का गैप है। चारों हमारा जो स्पीकर का बेस पोर्ट है वो सेम है, तो सभी का 25 mm साइज है। हमें अब एक फीमेल कनेक्टर लेना है 12 वोल्ट का, जिसमें हम 12 वोल्ट का पावर सप्लाई कनेक्ट करेंगे। आप चाहे तो 24 वोल्ट का भी कनेक्ट कर सकते हो, वैसे SMPS पे डिपेंड करता है जो भी आप यूज़ करोगे। और इस पे क्या करना है कि हमें एक हीट सिंक को लगाना है, इसमें दो वायर्स कनेक्ट कर देना है, एक मैन पावर सप्लाई जो हमारा एम्पलीफायर बोर्ड में कनेक्ट होगा, दूसरा वोल्टेज रेगुलेटर में जाने के लिए। और इस तरह से हम कनेक्ट करके इसमें क्या करेंगे, एक हीट सिंक ट्यूब को लगा देंगे। ध्यान रखना इसका पॉजिटिव और नेगेटिव हमेशा एकदम करेक्ट साइड में होना चाहिए। आप कनेक्ट करके एक बार पावर सप्लाई लगा करके भी पॉजिटिव नेगेटिव चेक करके देख लेना कौन सा पॉजिटिव है और कौन सा नेगेटिव है। वायर इसमें कनेक्ट होने के बाद हम इसे लगाएंगे जो बैक पैनल है हमारा इस टावर स्पीकर बॉक्स का उस पे, और यहाँ पे हमें होल कर लेना है सोल्डरिंग आयरन को यूज़ करके। आप चाहे तो चाकू से भी काट सकते हो, लेकिन सोल्डरिंग आयरन से बढ़िया एकदम स्मूथ सर्कल में हो जाएगा। और इसके तार को इसमें पार करके यहाँ पर देखिए ये एकदम मस्त से बैठ जाएगा। ये 12 mm का MDF बोर्ड है, तो इस साइड में स्क्रीन लगाने के लिए जगह नहीं बचेगा, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें ग्लू स्टिक यूज़ करना है, ग्लू स्टिक से इसे चिपका देना है। इस टावर स्पीकर बॉक्स में मैं ये वाला ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज़ करने वाला हूँ। ये स्क्वायर कट का ब्लूटूथ मॉड्यूल है, ये काफ़ी अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे देता है, बहुत ही बेहतरीन। तो इसमें इस तरह का हमारा मिलता है बैक साइड में इसका किट, इसका जो IC है वो अंदर साइड में है। बाकी इसके फ्रंट साइड में हमें ये लगाने को मिल जाता है यहाँ पे। पहले मैं इसे सेट कर लेता हूँ, उसके बाद इसे चिपका दूँगा। सेट करने के लिए मैं इसको ग्लू स्टिक का यूज़ करूँगा। देखिए इसमें फ्रंट साइड में हमें ऐसे लगा देना है एंड देन यहाँ पर ग्लू स्टिक से चिपका देना है। इसमें हम एक एंटीना वायर कनेक्ट कर देंगे। इस टावर स्पीकर बॉक्स को पूरा चलाने के लिए मैं एम्पलीफायर बोर्ड यूज कर रहा हूँ, ये TPA3116 200W 2.1 का क्लास D एम्पलीफायर बोर्ड।
इस एम्पलीफायर बोर्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पे दो आईसी लगी हुई है जो कि 200 वाट का आउटपुट देगा। ये बोर्ड मेरा डुप्लीकेट है, मैंने लोकल मार्केट से सस्ते में ख़रीदा था। ओरिजिनल भी आता है, ऑनलाइन आप परचेज कर सकते हो, 1100-1200 रुपए पड़ेगा आपको, लेकिन लोकल मार्केट में मुझे 700 रुपए में ही यह मिल गया था। इसमें क्या है कि एक सबवूफर के लिए आउटपुट यहाँ से मिलेगा, दो है हमारा ट्वीटर या फिर स्पीकर में कनेक्ट कर सकते हो जो कि 50-50 वाट का आउटपुट देगा। ये दोनों हमारा 2.1 है, दो साइड साइड वाले जो स्पीकर्स लगेंगे ना वो 50-50 वाट का मिलेगा आपको और 100 वाट का मिलेगा सब वूफर के लिए। यहाँ पर क्या है कि तीन पोटेंशियोमीटर्स दिया हुआ है कंट्रोल करने के लिए, पहला है इस साइड वाला वॉल्यूम का, बीच वाला है बेस कंट्रोल कर सकते हो और सब वूफर का, और ये पहला वाला है ट्रेबल कंट्रोल करने का। बाकी इसमें ऑडियो इनपुट्स कनेक्ट करना है, इसमें आप चाहे तो कनेक्टर से भी कनेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ऑक्स केबल से भी कनेक्ट कर सकते हो। पावर सप्लाई की बात करें तो पावर सप्लाई का यहाँ पे हमें कनेक्ट करना है या तो फिर यहाँ पे कनेक्ट करना है। इस एम्पलीफायर बोर्ड पे आप 12 वोल्ट से लेकर 24 वोल्ट तक दे सकते हो, तो मल्टीपल कर लेना, जिस हिसाब से आप इनपुट दे रहे हो वोल्टेज का उसी हिसाब से आपको एम्पियर का भी अडप्टर यूज़ करना है। जैसे कि मैं 20 वोल्ट का यूज़ कर रहा हूँ, तो 20 वोल्ट को अगर मल्टीपल करेंगे हम 10 से, यानी कि 10 एम्पियर का यूज़ करना होगा हमारा एडप्टर, तभी 200 वाट का फुल आउटपुट आएगा। तो देखिए कुछ इस तरह से ये रहा एम्पलीफायर बोर्ड। यहाँ पर 2.1 का एम्पलीफायर बोर्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ तो दो अलग अलग चैनल्स में आएगा, लेफ्ट और राइट की ऑडियो आएगी। तो यहाँ पर आप चाहे तो दोनों को सेपरेट सेपरेट भी यूज़ कर सकते हो, दोनों साइड साइड वाले को। मैं क्या करूँगा ना, ये जो पीला पीला वाला है ओसवाल का, ये दोनों मैं 50-50 वाट में यूज़ में लेने वाला हूँ। तो लेफ्ट राइट अलग अलग ऑडियो आएगी, आप चाहे तो मोनो कर सकते हो। मोनो करने के लिए क्या करना होगा कि जो ऑक्स केबल से यहाँ से जो ऑडियो आउटपुट आएगी ना ब्लूटूथ मॉड्यूल से, वहाँ पे 22 किलो ओम का या तो फिर 10 किलो ओम का दो रजिस्टर लेना, लेफ्ट राइट में कनेक्ट करके दोनों को दूसरे साइड वाले को एक साथ में कनेक्ट करके इसमें कनेक्ट कर देना या इसमें कनेक्ट कर देना, तो ये मोनो ऑडियो इनपुट जाएगा और मोनो आउटपुट भी आएगा। तो कुछ इस तरह से आप मोनो बना सकते हो इस 2.1 के एम्पलीफायर बोर्ड को। हालांकि मैं लेफ्ट राइट दोनों यूज़ करने वाला हूँ इस बोर्ड में, आपकी मर्जी, आपको जैसा अच्छा लगता है वो कर सकते हो। तो चलिए अब इसका भी कनेक्शन कर देता हूँ मैं इसमें। तो इसका कनेक्शन करने के लिए क्या कर रहा हूँ कि जो हमने पावर सप्लाई कनेक्ट किया था वो पावर सप्लाई इसमें कनेक्ट हो जाएगा, जो हमने बोर्ड में बैक साइड वाले में कनेक्ट किया था ना वो। बाकी मैं इसमें कनेक्ट कर देता हूँ। जैसे कि देखिए यहाँ पर तीनों का मार्क कर रखा है मैंने, एक ये है सबवूफर वाला, ये है स्पीकर का पहला स्पीकर, ये है दूसरा स्पीकर। तो ये सभी वायर्स मैं इसमें कनेक्ट कर दूँगा। तो पॉजिटिव हमारा लेफ्ट साइड में है और नेगेटिव राइट साइड में है। एक वायर हमारा कनेक्ट हो गया इसमें सब ऊपर वाला, बाकी स्पीकर वन का इस साइड में कनेक्ट कर देता हूँ एक। सभी को वायर्स कनेक्ट करने से पहले देखिए यहाँ पर मैं कुछ इस तरह से बना दिया हूँ, सोलर कर दिया हूँ थोड़ा थोड़ा छील करके, ताकि यहाँ पे कनेक्ट करने में मुझे आसानी होती है। सभी वायर्स इसमें कुछ इस प्रकार से कनेक्ट हो गया है, स्पीकर वन, स्पीकर टू और एक ये सब ऊपर के लिए। सब कनेक्शन हो गया स्पीकर्स के लिए। अब इसमें हमें कनेक्ट करना है पावर सप्लाई का और फिर ऑडियो केबल का। पावर सप्लाई और ऑडियो केबल के लिए मैं कुछ इस तरह का केबल यूज़ कर रहा हूँ। देखिए एक ये पावर सप्लाई रहा हमारा जो कि 7805 से कनेक्ट होकर के जाएगा इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में। तो यहाँ पर मैं 7805 वोल्टेज रेगुलेटर का आउटपुट इसमें कनेक्ट कर दूंगा। बाकी ऑडियो के लिए देखिए कुछ इस तरह से मैं ऑक्स केबल में कनेक्ट कर दिया हूँ और ये रहा हमारा ऑडियो आउटपुट जो आएगा हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल से, वो ये ब्लूटूथ मॉड्यूल से आउटपुट आएगा, ये इनपुट जाएगा हमारा इस बोर्ड में। देखिए कुछ इस तरह से आप चाहे तो इस वाला कनेक्टर का भी यूज़ कर सकते हो, जो आपको बेहतरीन लगे वो यूज़ कर लेना। ये जो बैक पैनल है जो मैंने अभी दो वायर्स कनेक्ट किया, एक 7805 का इनपुट में जाएगा और दूसरा मेन पावर सप्लाई। मेन पावर सप्लाई वाला वायर हमें इस एम्पलीफायर बोर्ड के इनपुट में कनेक्ट कर देना है, प्लस और माइनस का ध्यान रखते हुए। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ माइनस हमारा इस साइड है, यानी कि ये वाले में कनेक्टर में कनेक्ट होगा। चलिए ये दोनों मेन पावर सप्लाई का वायर इसमें कनेक्ट हो गया। अब बात रही 7805 वोल्टेज रेगुलेटर की, तो गाइस आप देख सकते हो
कि पावर सप्लाई कनेक्ट करने के लिए इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में मैं यहाँ पर दो वोल्टेज रेगुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ। एक है 7809 का पहला वाला, दूसरा है 7805 का। 7809 का हमारा आउटपुट देगा 9 वोल्ट और ये हमारा 5 वोल्ट का आउटपुट देगा। ये जो 7809 का वोल्टेज रेगुलेटर है, यहाँ पर आप 12 का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन बेहतरीन होगा कि 9 का ही यूज़ करना। ये हमारा जाएगा, इसका आउटपुट हमारा एलईडी लाइट में। एलईडी लाइट हमारा 9 वोल्ट से भी ऑपरेट होता है, मैंने चेक करके देखा। अगर यह नहीं ऑपरेट होता है तो आप 7812 का यूज़ कर लेना, वह उससे काम करेगा। लेकिन 7809 यूज़ करने का बेनिफिट ये है कि आप इसके इनपुट में या तो 12 वोल्ट दो या 24 वोल्ट दो, हमेशा यह 9 वोल्ट देगा। लेकिन जब 7812 यूज़ करोगे तो 12 वोल्ट इनपुट देने पे मैन पावर सप्लाई, अगर आप 12 वोल्ट का SMPS यूज़ कर रहे हो तो 12 वोल्ट आउटपुट नहीं देगा आपको। 12 वोल्ट प्लस 2.5 वोल्ट यानी कि आपको 14.5 वोल्ट इनपुट देना होगा, तभी वह 12 वोल्ट आउटपुट देगा। ये वोल्टेज रेगुलेटर का यही नियम होता है और यही उसका ऑपरेटिंग इनपुट वोल्टेज होता है। तो यहाँ पर मैं अगर 12 वोल्ट भी इनपुट देता हूँ यहाँ पर, तो 7809 हमारा 9 वोल्ट आउटपुट देगा। तो ये हमारा एलईडी भी काम करेगा और ब्लूटूथ मॉड्यूल भी काम करेगा। 7805 इस ब्लूटूथ मॉड्यूल में लगेगा, तो इसके इनपुट में हमारा जाएगा। दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया हूँ। पहला वाला पिन कुछ इस प्रकार से होता है कि ये होता है हमारा इनपुट, बीच वाला ग्राउंड और तीसरा वाला आउटपुट। सेम इसमें भी ऐसा ही है, इनपुट ग्राउंड आउटपुट। आउटपुट अभी दोनों खाली है क्योंकि मैंने कनेक्ट नहीं किया है, अब कनेक्ट करूंगा थोड़ी देर में। और ये देखिए, इसका नेगेटिव यानी कि दोनों को ग्राउंड सेम कर दिया है ब्लैक वायर से, और रेड वायर से दोनों का इनपुट कनेक्ट कर दिया हूँ। बाकी जो मेन इनपुट आएगा पावर सप्लाई का, वो इसमें से आएगा। देखिए ये वाला केबल है, तो इसको मैं इसके इनपुट में कनेक्ट कर देता हूँ, सोलर कर दे रहा हूँ। ये वायर हो गया हमारा पॉजिटिव पावर सप्लाई का इनपुट, और ये वायर है हमारा नेगेटिव पावर सप्लाई का इनपुट। तो नेगेटिव हमारा दोनों में कॉमन है, तो दोनों का कॉमन कर दिया इसमें, पॉजिटिव भी इसमें कनेक्ट कर दिया। बाकी इसका आउटपुट का अगर हम देखें, तो आउटपुट के लिए 7805 का जो वोल्टेज रेगुलेटर में से जाएगा, वो हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल वाला ये वायर है हमारा। ये ब्लूटूथ मॉड्यूल का पॉजिटिव वायर मैं 7805 के आउटपुट वाला कनेक्ट कर देता हूँ इसके पॉजिटिव में, और जो इसका नेगेटिव है वो हमें इसके नेगेटिव में कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ से हमारा ब्लूटूथ मॉड्यूल ऑन हो जाएगा 5 वोल्ट का पावर सप्लाई मिलते ही। फिर हम एलईडी लाइट के लिए कनेक्ट करेंगे। तो एलईडी लाइट के लिए मैं एक इस टाइप का वायर यूज़ कर रहा हूँ, जो कि 7809 का वोल्टेज रेगुलेटर के तीसरे पिन से आउटपुट जाएगा, और ग्राउंड वाला भी इसी में से कॉमन में चला जाएगा। तो कुछ इस तरह से वायर्स इसमें कनेक्ट कर देना है। ध्यान रखना, वोल्टेज रेगुलेटर हमारा हीट होगा, तो हीट सिंक ज़रूर यूज़ करना। यहाँ पर मैं छोटा वाला यूज़ करके देख रहा हूँ, अगर ज़्यादा हीट होता है तो आपका, एक बात मैं बताना भूल गया, अगर एम्पलीफायर बोर्ड भी हीट होता है ज़्यादा, तो फिर यहाँ पर देखिए ना, इतना गैप बचा हुआ है, यहाँ पर आप चाहे तो CPU फैन यूज़ कर सकते हो। मैंने इस एम्पलीफायर बोर्ड को नॉर्मल साउंड पे यूज़ करके देखा, तो उतना भी हीट नहीं होता है, बहुत ही कम हीट होता है। बाकी हीट सिंक थोड़ा ज़्यादा हीट हो रहा था, तो मैनेजेबल है, इसीलिए मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ एक CPU फैन का। अदरवाइज़ आप यहाँ पर लगा देना, इतना बड़ा गैप तो है ही, हवा पार होता रहेगा, अच्छे से इसका हीट मैनेजमेंट बना हुआ रहेगा।
अब ये हमारा कंप्लीट तो बन चुका है, लेकिन इसके टॉप वाले पैनल को पूरा सेटअप लगाने से पहले एक बार चेक करके देख लेना है यह काम कर रहा है कि नहीं। इसे चेक करने के लिए मैं यहाँ पर 72 वाट का यूज़ कर रहा हूँ एक पावर अडप्टर। ये अडप्टर हमारा 24 वोल्ट का आउटपुट देगा 3 एम्पियर का। आप फुल मैक्सिमम वाला अडप्टर यूज़ कर सकते हो इसे यूज़ करने के लिए, फुल आउटपुट लेने के लिए। मैं 72 वाट का ही पावर आउटपुट लूँगा यहाँ से। तो इसका पावर सप्लाई मैं कनेक्ट कर देता हूँ इसमें, उसके बाद चेक करता हूँ सब चीज़ सही है कि नहीं है। इस पर लाइट वगैरह भी जल रही है, लेकिन अभी यहाँ पे लाइट ज़्यादा होने के वजह से यहाँ पे लाइट नहीं दिख रहा होगा आप सभी को, मुझे यहाँ से बाहर से पता चल रहा है। Bluetooth mode paired.